कि ये अवसर उन्होंने प्रदान किया पूरे संसार को, भारत को ही नहीं। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2014 में 27 सितंबर को इस प्रस्ताव को रखा और उसके बाद 11 दिसंबर को ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसके बाद 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में नहीं पूरे देश में मनाया जाता है। और धीरे धीरे ये जो इवेंट है वो अपनी गति पकड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा देश है जो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को नहीं मना रहा है। जब पूरे संसार में इसकी स्वीकारोक्ति हो गई तो मुझे लगता है कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर थी विश्व को स्वस्थ रहने की, शरीर मन बुद्धि का कैसे हम सामंजस्य बैठाएं, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे शांत रहें और कैसे शांत रह करके हम संसार की शांति के लिए सोचें, ये जो एक अवसर दिया है, मैं पुनः भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।